A sum becomes double in 10 years. Find the annual rate of interest at SI. It's very simple. Let the sum be 100. तो अगर आप बैंक में 100 रुपए जमा करोगे तो वो बैंक में पैसे कितने हो रहे हैं? डबल हो रहे हैं. A sum becomes double. Double मतलब 100 के 200 हो रहे हैं. कितने टाइम में? टाइम कितना दिया है? 10 साल में. 10 साल में हो रहे हैं तो आपको क्या निकालना है? रेट निकालना है बस. और SI का सवाल है तो ये जो 100 रुपए है ये प्रिंसिपल है जो आप बैंक में जमा कर रहे हो और जो पैसा बैंक से निकल के मिल रहा है दैट इज अमाउंट. अगर आप अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करोगे विल गेट SI. SI इज नथिंग बट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. ठीक है तो यहाँ पर अमाउंट कितना है? 200 माइनस प्रिंसिपल कितना है? 100. कितना जाएगा? 100. तो यहाँ पर SI भी आ गया 100. अब फॉर्मूला यूज कर लो. SI इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. जस्ट हैव टू पुट वैल्यूज. SI की वैल्यू डालो. SI प्रिंसिपल इज हाउ मच? प्रिंसिपल इज ऑल्सो 100. आर तो मुझे निकालना है. टाइम कितना है? टाइम है 10 ईयर्स अपॉन 100. 100 से 100 कैंसिल तो आ जाएगा 100 इज इक्वल टू आर इंटू 10. आर विल बी इज इक्वल टू 100 अपॉन 10. आर कितना आ गया? 10%. 10% इज द राइट आंसर.